रहनुमा पीटीआई श्री मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखें, ये 1.5 साल का टाइम मांग रहे थे, इनको नहीं मिला। इन्होंने अब झगड़े का, अनारकी का और मुल्क में बदमनी बिछाने का फैसला किया है, और इसकी वाज़े मिसाल जो है वो आज श्री मजारी की गिरफ्तारी की इब्तदा है। आज ये 3-4 दिन सारे गिरफ्तारियां करेंगे और नए पुलिस ऑफिसर इन्होंने फौरी लगा दिए हैं, अपने पुलिस ऑफिसर लगा दिए हैं ताकि गिरफ्तारियों को यकीनी और आखिरी शक्ल दी जाए। आज ये समझ लें कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया और ये एक्शन की पहली कड़ी है, और ये इंशाल्लाह ताला ये अपने काम में नाकाम रहेंगे और जलील और रुसवा होंगे, क्योंकि इनको गारंटी नहीं मिली, एक साल की तो इन्होंने फैसला कर लिया, लिस्टें भेज दी हैं शहरों में और अपने एसपीओं और आरपीओं को आज लगा लिया। थैंक यू। अच्छा शेख रशीद साहब, ये भी कहिएगा, इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है, मजीद भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, आपका लाहे अमल क्या होगा? क्या होगा जी, हमने लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है, हमने कोई मेरा मतलब है हम गिरफ्तारियां देंगे, अपनी गिरफ्तारियां जो हैं, कोई इंसान मर नहीं जाता, सियासत में ऐसा होता रहता है, और ये सियासत जो है वो तशद्दुद की तरफ मायल हो गई है।